हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज मी क्रिया। और आज के वीडियो में हम लोग जा रहे हैं गणेश पूजा देखने, जो हमारे गांव की गणेश पूजा होती है। चुप, जो हमारे गांव की गणेश पूजा होती है, जो हमारे गांव की गणेश पूजा होती है। एक्चुअली यहां पे दो साल से, मम्मी ने बताया, दो साल से चालू हुआ है गणेश पूजा। तो मैं जा रही हूँ देखने की किस हिसाब की पूजा होती है। और यहाँ पे कुछ दिन पहले गई थी मैं, तो मिट्टी के इन्होंने गणेश जी बनाए थे और जो भी स्टैचूज थे वो मिट्टी के बनाए हुए थे। तो चल के देखते हैं। बहुत ज़्यादा क्रेज़ है एक्चुअली, नया नया शुरू हुआ है दो साल से, लेकिन क्रेज़ बहुत ज़्यादा है। तो लोग पूरे आंगन के लोग जा रहे हैं और आज मुझे सबने पूछ लिया कि जाने रहे। मैंने सोचा कि चलते हैं, देखते हैं कैसा होता है। तो आज मैं उस पर ब्लॉग बनाने वाली, तो देखते हैं। तो मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा लेट कर रहे हैं, तो हम लोग अकेले जा रहे हैं। हम लोग नहीं लेने वाले उनको, हम लोग जाएंगे अकेले में और मेरा कियान। आ रहे हो? अगर मेरी बुआ के लिए जाएंगे तो उनका ब्लॉग नहीं बन पाएगा, तो उनको मेरे को लेके जाएंगे। मेरा ब्लॉग अकेले भी बन जाएगा, मैंने सारे ब्लॉग अकेले बनाए हैं। आना यार, लेट कर रहा है। ये तो बड़े सच्चाई क्या, तू भी बोल एक दो बिटू, तू भी बोल। हाँ, ये आउटफिट किया ने जो पहनाया है, हमने उसके बर्थडे पे लिया था, उसकी नानी ने उसको दिलाया था। ये रहे हमारे लेट लदीख लोग। तो हम जा रहे हैं मेले की तरफ। आ जाओ, मेरे फ्रेंड इंतजार कर रहे हैं मेरा वहां पे। ये रही हमारी, हमारी गाय नहीं है, गाय है। ये रही मेरी माँ, एलियन बन के आ रही। हेलो बोल, हेलो बोल, हेलो एवरीवन। वेल, अभी मेरी आवाज आएगी नहीं, तो मैं आगे का जो भी वीडियो रहेगा वॉइस ओवर दूंगी पीछे से। तो आगे का मैं कुछ बोलूंगी, सिर्फ आपको चीजें दिखाऊंगी जो मैं अभी पहली बार देखूंगी। तो ये है मेला, ये एक्चुअली मंदिर है जहाँ मेला लगा है। सारे आंगन की भाभी चाची आके बैठी है यहाँ पर डांस देखने। बोर नहीं हो रहे हो देख के? हाँ, कुछ कर ही नहीं रहा। नहीं, फालतू का टाइम। ये बिहार का चाप बर्गर, दिल्ली में बर्गर कितने का मिलता है? तो ये हमारे पहले बकरे बताएंगे कैसा है बर्गर खाने में। कैसा है? ठीक ठाक है, मस्त तो नहीं बोलेंगे, ठीक है। 10 में से 5% देते हैं।
मैं घर जाके देख लूँ कैसा। कम से रिव्यू कर लिया हमने, ये पैक करा लिया समोसा बर्गर और जलेबियाँ हमने पैक करा लिए और अब हम जा रहे घर। पूरा मेला हो चुका है खत्म। सो गाइस आ गए हम घर और देखा आपने क्या था, जो भी था, मतलब एक साइड पूजा और एक साइड ऑर्केस्ट्रा चलता है। हालांकि मुझे नहीं समझ में आता कि ये क्या मतलब क्यों रखते हैं ऐसा, क्योंकि अगर एक जगह पूजा हो रही है तो इससे अच्छा तो भजन कीर्तन वालों को बुलाए जो कि वहाँ पे भजन करे तो लोगों को, हालांकि देखने वाले बहुत सब देखते हैं एंजॉय करते हैं, बट मुझे गलत लगता है कि अगर पूजा पाठ हो रहा है तो ये सब नहीं होना चाहिए। या तो इसके लिए अलग से करो, वो अलग चीज़ है, बट आप पूजा पाठ भी कर रहे हो और ऑर्केस्ट्रा ये डांस वांस भी चला रहे हो, हालांकि मैंने भी इंजॉय किया, सब इंजॉय करते हैं, बट अलग से होना चाहिए अगर रखना भी है ये सब। तो पूजा पाठ के टाइम पे अगर ये सब गणेश चतुर्थी है वो पूजा के दिन चल रहे हैं तो भजन वालों को या कीर्तन वालों को बुलाओ, वो रखो, बट ये मुझे कहीं ना कहीं गलत लगता है। बाकी तो ठीक है, यहाँ की लोगों की मेंटालिटी और जो भी है, यहाँ कुछ मतलब बाहर भी होता ही है, यही की बात नहीं है। दिल्ली में भी जैसे मैंने रामलीला किया था तो वहाँ पे रामलीला के एंड वाले दिन में लोगों ने वो जो हरियाणवी सिंगर्स होते हैं उनको बुलाया था और लोग सब शराब पी के, मतलब वो सब ख़त्म हुआ रामलीला और लोग शराब, सब लोग टल लिए वहाँ पे, तो मेरे को वो भी समझ में नहीं आया था। तो जो चीज़ वहाँ थी वो चीज़ यहाँ है, तो ये नहीं कहूँगी कि गाँव है इसलिए यहाँ पर होता है, बट ठीक है, लोगों की अपनी मैंटेलिटी है, कुछ कर नहीं सकते। सो अब फिलहाल के लिए मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ और जा रही हूँ मैं बर्गर और जलेबी लेके आए, तो जा रहे हम लोग वो खाने के लिए। तो मिलती हूँ आपसे मैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए बाय बाय।